देवास के सतवास रेवा शीश गार्डन में कांग्रेस के मध्यप्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, सहप्रभारी सीपी मित्तल ने कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में जानकारियां देते हुए यात्रा के दौरान अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहने की बात कही। बैठक के दौरान मंच पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सहप्रभारी संजय कपूर, कुलदीप इंदौरा, कांग्रेस नेता मनोज होलानी, पूर्व विधायक कैलाश कुंडल, जिला अध्यक्ष अशोक पटेल उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ओम पटेल ने किया। स्वागत उद्बोधन देते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने यात्रा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। वरिष्ठ पत्रकार हरिओम तिवारी ने जब यात्रा के संबंध में प्रदेश प्रभारी सीपी अग्रवाल से चर्चा की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 3,500 किलोमीटर निकाली जा रही है। इस यात्रा का मध्यप्रदेश में 20 नवम्बर को प्रवेश होगा तथा 22 नवम्बर से यात्रा प्रारंभ होगी। इस यात्रा से सभी को जोड़ने के लिए बैठक आयोजित की गई है। ये जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है जो कन्याकुमारी से चली है और कश्मीर तक जाएगी 3500 किलोमीटर, उसका बीच का हिस्सा मध्य प्रदेश में शुरू होगा 20 तारीख से। 20 को उनका आगमन होगा, 22 से वो यात्रा शुरू होने वाली है। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उसमें लोगों को कांग्रेस जन को आमंत्रित करने के लिए ताकि वो वहाँ शामिल हों, वो बैठक आज यहाँ कांग्रेस की यात्रा निकाली जा रही है। आपने जो हालात देश के देखे होंगे, ये फर्ज बनता है कांग्रेस का, जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा कि इस देश को आज़ादी दिलाई कांग्रेस ने, तो जिम्मेदारी भी कांग्रेस की सबसे ज़्यादा बनती है कि किसी को इस देश को तोड़ने ना दे और तोड़े तो डटकर उसके खिलाफ आवाज़ लगाए। तो अब जो हालात इस समय देश के हैं, जो नफरत भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है, जिस तरह बेरोज़गारी है, जिस तरह जो हमारी बड़ी बड़ी एसेट्स हैं देश की उनको बेचा जा रहा है, देश को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, महंगाई की बुरी हालत है, तो इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? तो वो आवाज़ हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वो बीड़ा उठाया है कि देश को जगाने का, कि ये वक्त है जागने का, वरना शायद हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। सतवास तहसील से हरिओम तिवारी की रिपोर्ट।